नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। और मैं हूं आपका दोस्त पूजा, सभी जानते ही होंगे। और कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक ठाक हूं। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, रिपोर्ट लेने के लिए गई थी यूरिन वाला, वो कल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो कल्चर वाला रिपोर्ट आया नहीं है, तो उसके लिए मुझे दूसरे हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल के ब्रांच है बाहर जाना पड़ेगा। तो मम्मी को सोच रही हूँ बुला लूँ एक बार सोनू के पास में छोड़ के, उसके बाद में मैं जाऊँगी दूसरे हॉस्पिटल जो कल्चर का रिपोर्ट है यूरिन का, वो लेके आऊँगी। तो आज है ना फाइनली, बहुत दिनों बाद में, इतने दिनों बाद में यानी चौथा दिन से ऊपर हो गया है। मुझे नहीं पता था यहाँ पे खाना मिलता है, 9 बजे है ना खाने के लिए गाड़ी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो बांट के जाता है। आज मैं बाहर गई थी 9:30 बजे किसी वजह से, तो मुझे मिला है यहाँ पर खाना, और खाने में मिला है खिचड़ी, रोटी और चने की दाल जिसमें लौकी डालकर। आज बाबू भी वही खा रहा है, मैंने भी रोटी और चने लौकी की दाल से खाई है, तो अच्छा खाना है। देखिए जहाँ 60 रुपये में खाना खा के आता है, दूर जाना पड़ता है और बच्चे अकेला है, सीरीज लगा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पे खाना मिल रहा है वो भी फ्री में, ठीक ठाक है। खिचड़ी बहुत अच्छा है, खिचड़ी लाई हूँ तो दिखाती हूँ आपको भी। तो ये है लौकी और चना दाल की सब्ज़ी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है ना, वो गाड़ी आई थी यानी वैन बोलते क्या बोलते हैं, जो दे के गए। इसमें लौकी चना दाल है, ठीक है, ठीक ठाक है बस, हाँ इंसान खा ले पेट भर जाए, मजबूरी में क्या कर सकते हैं। और ये है रोटी, रोटी भी ठीक है, जो भी है जैसा भी है, फ्री में मिला है तो इसे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है। तो सोनू यहाँ पे आज सुबह सुबह 9:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट जो है रोटी से कर रहा है, क्योंकि करना ही पड़ेगा, तो लौकी चना दाल के साथ में पैर हटाओ खाना है। और ये है खिचड़ी, ये देखिए क्या है, निशुल्क भोजन देख सकते हैं, निशुल्क भोजन है, अच्छा आता है खिचड़ी। ये है खिचड़ी, आहार बने आधार, ये है खिचड़ी, खिचड़ी बहुत अच्छा है। और इसमें इतना खिचड़ी है ना, दोनों माँ बेटा है ना आराम से खा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा है, दोनों माँ बेटा आराम से खा सकते हैं। वो बड़े वाले प्याले होते हैं ना, बड़े वाले एक प्याले हैं, तो आज जो है ये फ्री में मिला था। और बाबू ये खा रहा है रोटी सब्जी, क्योंकि उसे रोटी पसंद है, तो खिचड़ी भी साथ में मिल रहा था लेके आई, तो इसे दोनों मान लीजिए दोपहर का हो जाएगा। यानी कि आज जो बाहर में जाती हूँ खाना खाने के लिए 24 घंटे में एक बार, तो वो नहीं जाऊँगी क्योंकि खाना मिल गया है तो फिर बाहर किस लिए जाना, लेकिन मम्मी को बुलाना पड़ेगा, मम्मी को बुला के बस वो रिपोर्ट लाने के लिए जाना है। तो जिस दिन सोनू हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था ना, उस दिन से यही कपड़ा पहना हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ उसे कपड़े चेंज कर दूँ। तो फाइनली जो है मैं एक जोड़ी कपड़े मंगवा लिया था, यानी एक ऑटो वाले भैया है वो दे के गए थे, तो इसका पूरा कपड़ा आ चुका है, यानी इनर वगैरह जो भी है, बनियान वगैरह, तो सबसे पहले इसे चेंज करूँगी। पर इसके हाथों में है ना जो सीरीज लग रहा था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि सीरीज में अगर जरा से भी हिल जाए ना तो फाल्ट हो जाती है। और दो ही हाथों में है ना अदल बदल कर जो है वैसे भी लगा रहा है, 3 दिन में एक इंजेक्शन को जो है चेंज करना पड़ता है, ये रूल है। तो जब चेंज करता है ना वो बहुत ज़्यादा रोता है, तो उसे रोता हुआ देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता, जो डॉक्टर का प्रोसेस होता है वो तो मतलब कर गुजरना ही पड़ता है, चाहे वो बड़े हो या फिर छोटे। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी सरसों का तेल वगैरह मतलब लेके आई थी जिस दिन आई थी, और वही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है बाबू बैठा हुआ है और मम्मी है ना आ चुकी है उस ऑटो वाले भाई के साथ में, यानी एक ऑटो वाले भैया है, वो कभी भी कोई इमरजेंसी होती है ना तो मम्मी जैसे नहीं आ पाती, नहीं जा पाती है, तो उनसे मैं मम्मी को मंगवा लेती हूँ, तो वो ला देते हैं। तो फाइनली मम्मी को है ना वो भैया ला के दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो मम्मी मेरे पास में बैठी, तो मैं सोच रही हूँ एक बार है ना इसे ऑयल वगैरह अच्छे से लगा दूँ, क्योंकि जिस टाइम एक बार बच्चे का कपड़े उतार देते ना, तो फिर थोड़ा सा गीला कपड़े से पोंछ के और सूखे कपड़े से पोंछ के उसके बाद में अगर पहना देंगे ना सूखा कपड़ा ऑयल वगैरह लगा के, तो नहीं भी नहाए ना तो भी थोड़ा सा जो है रिलीफ फील होती है, तो वही करने की कोशिश कर रही हूँ। और पता नहीं कब तक छुट्टी मिलेगा, क्योंकि एक बार तो जांच कराया, उसके बाद में जांच में रिपोर्ट सही नहीं आया, इसलिए दोबारा कराना पड़ा, और फिर तीसरी बार इसलिए कराना पड़ रहा है
कि अब कितना फ़र्क पड़ा है पहले से, यानी पहले से जो फ़र्क पड़ता है वो भी तो पता होना चाहिए कि कितना बीमारी कम हुआ है, इन्फेक्शन कम हुआ है या फिर वैसा ही है या फिर बढ़ रहा है। तो इस वजह से बहुत सारा जांच वगैरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, इस वजह से इतने दिन जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लगता है। और ख़ास करके जो लीवर में इन्फेक्शन है ना, इसी का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर भी बोल रहा था बच्चा इतना छोटा है ऐसा कैसे हो सकता है, और खान पीन का पूछ रहे थे, तो मैंने बोला कि खान पीन का तो ठीक चल रहा है, लेकिन फिर उन्होंने कहा उनके मतलब जो फैमिली है ना, फैमिली मेंबर में उनका या फिर आपके कोई भी ऐसा कुछ हिस्ट्री है क्या। तो फिर मैंने बोला उसके पापा को ये ना टीबी था, पर उन्होंने बोला कि ना कोर्स वगैरह पूरा किया है क्या। तो मैंने उनसे कहा था कोर्स तो उन्होंने पूरा नहीं किया था, जहाँ तक उन्होंने मुझे बोला था मुझे इतना याद है। दोस्तों अभी सुबह सुबह के टाइम है, मम्मी आई है छोटू को लेके, छोटू को मैं लेके जा रही हूँ। छोटू देखो इधर, कहाँ जा रहे हो? जानू से मिलने। सोनू से मिलने? हाँ। आपको सोनू से मिलना है? क्या है वो आपका क्या लगता है? भाई चलो जा जा जा। आगे सोनू मिल गया। मिल गया भाई। सोनू का है, सोनू का है, है? सोनू मिल गया। अब बेटा कानू सोनू मिल गया, मिल गया। तो जी छोटू को मैं गोदी में लेकर आई हूँ, और उस ऑटो वाले भैया के पास अब तक बैठा था, क्योंकि उसे मैं अकेले नहीं छोड़ती हूँ, बच्चा छोटा है कहीं भी निकल सकता है। तो मैं ना सोनू को थोड़ा सा दवाई दे रही हूँ, और दवाई दे के एक काम और बाकी है। फ़िलहाल है ना नर्स और डॉक्टर आ चुका है, वो काम कम्प्लीट करने के बाद में, यानी सोनू का चेकअप होने वाला है, उसके बाद में मैं यहाँ से निकलूँगी कॉलेज के लिए। कॉलेज का मतलब यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह जो है वो दिया नहीं है। मैं गई थी जहाँ रिपोर्ट मिलता है, तो उन्होंने बोला कि है ना आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, यानी जहाँ पर जांच वगैरह होता है वहाँ पे लैब में, तो लैब में से लाना पड़ेगा। लैब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मम्मी को सोनू को और छोटू को दोनों संभला के मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत दवाई ले लूँगी, क्योंकि मेरी भी बॉडी पेन का जो कोर्स है वो चल रही है, तो मैं भी दवाई लेके जाऊँगी, नहीं तो सारे दिन का जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि मेरी बॉडी का भी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी बीच जो है बाबू बीमार हो गया था, तो उसका भी तो दवाई देना ही पड़ेगा। तो जी सरसों का जो तेल है ना, वो मैं सोनू के पैरों में लगाना भूल गई थी, और उसका पैर में है ना थोड़ा सा दर्द सा हो रहा था। ये है ना गलती इसी का ही है, ये दो बार जब से आया बाथरूम में भी स्लिप हो चुका है, स्लिप इसलिए हो चुका है उसे है ना, जैसे टॉयलेट कर लेता उसके बाद में भागना स्टार्ट कर देता। उसे कितनी बार कह लूँ कि हाथों में सीरीज लग रहा है, मत भागो धीरे से चलो, मैं भी लेके चलती हूँ, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। बच्चा है कोई भी खास सुना नहीं मानता है, तो ये जैसे भगता है ना तो दो बार स्लिप हो गए। इस वजह से इसका दो बार जो है एक्सरे हुआ है, एक बार तो सीने का हुआ है वो तो नॉर्मल था, और दूसरी बार इसका कमर से लेकर पैर तक हुआ है कि कहीं पे चोट वगैरह आई हुई क्या, तो वो रिपोर्ट है ना नॉर्मल है, उसमें कुछ भी नहीं आया था। इसी वजह से थोड़ा सा पैरों में हल्का सा मालिश कर देती हूँ ताकि उसे रिलीफ मिल जाए। तो जी मालिश वगैरह करने के बाद में मैं यहाँ पर कर रही थी थर्मोमीटर से उसका फीवर चेक, ताकि मैं डॉक्टर को बता पाऊँ कि इस टाइम उसका इतना फीवर हो रही है, क्योंकि घंटे में एक बार जो है थर्मोमीटर से नाप कर बताना पड़ रहा है कि एक एक घंटे में उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे कितना हो रहा है। और ये सब जो है एक डायरी में नोट हो रही है, और उसके बाद ही जो है इसका दवाई का प्रोसेस चल रही है। अगर फीवर ज़्यादा हो रही है तो उस हिसाब से दवाई दे रहा है। फ़िलहाल फीवर पहले से थोड़ा सा कम है, 99.6 हो रहा है, तो यानी कि जो नॉर्मल फीवर होते हैं ना उससे थोड़ा सा कम है। देखते हैं क्या करते हैं भगवान, बस उन्हीं की मर्जी पर टिका हुआ है, आगे देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन अभी भी दवाई का जो प्रोसेस है और जांच वगैरह है वो कंटिन्यू जारी है, हर रोज़ उसका मतलब नए जांच से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पे जांच करने के बाद में, यानी सोनू का थर्मामीटर देखने के बाद में मैं निकल गई थी यहाँ से। तो दोस्तों अभी सुबह की 11:30 बज रही है, सोनू का रिपोर्ट यहाँ पे मिला नहीं था, इसलिए लाने जा रही हूँ। अब पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं आया, मैंने काउंटर पर बोला कि ना भैया मंगवा लो, तो कहते हैं मंगा नहीं सकते, आपको जाना पड़ेगा जो हॉस्पिटल है उसी के ब्रांच में, यानी जो कॉलेज है वहाँ पे कुछ करते होंगे, वो भी मुझे इतना तो याद नहीं है, बोला वहाँ से मिल जाएगा। तो वही जा रही हूँ पैदल पैदल, देखिए कितने बड़े हॉस्पिटल है, इसका ब्रांच बहुत लंबा है, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, और तीसरे फ्लोर पर मिल जाएगी। इंसान जो रास्ता जो मंजिल जो कुछ भी नहीं जानते ना, जब खुद पर आ जाता है, जब परेशानी होती है ना, तो इंसान हर चीज़ को जान जाता है। अभी
मैं कुछ भी नहीं जानती थी इस हॉस्पिटल में। जब एडमिट हुआ ना बच्चा, तो रात दिन 24 घंटा भगते भगते ना, अब हर चीज़ जान गई इस हॉस्पिटल में है ना, कहाँ पे क्या है, कौन सा कोने में क्या है, कौन सा कोने में क्या है। बस ये बाकी रह गया था, आज ये भी देख लूँगी कॉलेज कहाँ पर है। बहुत दिन हो गया घर से बाहर हूँ, आज सोच रही हूँ घर जाऊँगी छोटू को लेकर, और थोड़ा सा जो है नहा के, 4-5 दिन हो चुका है ना यहाँ पर हूँ, थोड़ा सा नहा के और कपड़े वगैरह चेंज करके फिर आऊँगी, और सोनू के लिए थोड़ा सा देखूँ खाने का, अगर बंदोबस्त कर पाऊँ तो करके आऊँगी। आज घर जाना ज़रूरी है, क्यों काफ़ी दिन हो चुका है ना, 5-6 दिन हो चुका है। तो जी देख सकते हैं जिस हॉस्पिटल में सोनू एडमिट हो रखा है ना, उसी का ये ब्रांच है, यानी उसका जो है कॉलेज है, तो यहाँ पे मिलेगा सोनू का रिपोर्ट। अब कहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं पता। देखिए पूरा जो एरिया है ना देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे देखिए घास वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, हरियाली है, तो ऐसा देखने से ना बहुत ही अच्छा लगता है। यानी जो भी मरीज़ वगैरह आता है ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और यहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं ना, तो देखिए कितना ज़्यादा गाड़ी वगैरह खड़ी है, और यहाँ से मतलब सब कुछ देख के और रिपोर्ट वगैरह ले जाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कहाँ पर क्या है कुछ भी पता नहीं है, और जिनमें से देखने से लग तो नहीं रहा है कि अंदर कोई होंगे। तो फाइनली आ गई थी मैं अंदर, लिफ्ट का मुझे कुछ आता पता ही नहीं है, पता नहीं क्या दबा रही हूँ, क्या आएगा नहीं आएगा, भगवान ही जाने। पूरे लिफ्ट में अकेली हूँ, घबराहट हो रही है बहुत भयंकर। तो जी ये था कॉलेज का 3rd फ्लोर, जहाँ पे मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, और ये रिसेप्शन था, पूरी तरह से खाली था, बस अंदर से गेट वगैरह दिख रहा था कांच का, लेकिन ये कॉलेज है, इसके अंदर ऐसे ही एंटर करना शायद सही नहीं होगा, तो मैं अंदर नहीं गई थी। बाहर से ही ना देख रही थी कभी कोई नज़र आ रहा है क्या, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तो बहुत देर बाद देखने के बाद में मुझे एक जो है गार्ड दिखाई दिया था, यानी सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद में मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बोला इसमें कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, आप दूसरे वाले जो बिल्डिंग है उसमें जाओ। तो जी उस बिल्डिंग से मैं यहाँ पर निकल चुकी थी और दूसरा जो बिल्डिंग है उसमें घुस गई थी, और इसमें भी है ना 3rd फ्लोर पर ही है ना वो कॉलेज है जहाँ पर मतलब स्टडी वगैरह करते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद में बहुत देर तक ढूंढा, उसके बाद में मुझे मिला था, तो फाइनली मैं जो है बाहर आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ भी हाथ नहीं आया था, हाथ का मतलब बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी और थक भी चुकी थी। इतनी दूर से इतने धूप में पैदल पैदल घूम घूम के चक्कर काट काट के थक गई, लेकिन वो बोलते हैं ना जब नसीब टूटता है ख़राब होता है तो हर तरह से मुसीबत आती है, तो वही बात है। आज मेरा बच्चा इतने दिन से बीमार हो रहा है, किससे शिकायत करें, डॉक्टर से शिकायत करें, लैब वालों से सिंपल शिकायत करें, या फिर जो लोग सैंपल लेते हैं कलेक्ट करते देते हैं उनसे शिकायत करें, किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकते। यहाँ पर रिपोर्ट नहीं मिला मुझे, रिपोर्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि इस लैब में जब भी कोई मतलब सैंपल वगैरह आते हैं तो वो लोग एंट्री करते हैं, लेकिन उनकी जो रजिस्टर है रजिस्टर में एंट्री नहीं था, उन्होंने एक बार नहीं दो दो बार देखा, तो इतने दूर गई, जाना तो बेकार हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने दिन से बच्चा बीमार है और वो रिपोर्ट आने में 3-4 दिन लग जाता है। तो देखिए ऑलरेडी 5 दिन हो चुका है ना, सैंपल दिए हुए हैं, और अब बोल रहा है कि हमारे लैब में तो है ना सैंपल आया ही नहीं है। और अब काउंटर पर मैं सुबह गई थी तो उन्होंने बोला लैब में जा चुका है, लैब में जाओ, तो अब लैब में गई तो लैब वालों ने बोला यहाँ पर नहीं आया, तो अब बताइए किससे शिकायत करूँ, कि मतलब लैब वालों के पास जाऊँ या फिर मतलब काउंटर पर जाऊँ, दोनों ने मना कर दिया। अब ये करना होगा, सबसे पहले तो सैंपल लेंगे, फिर दोबारा से रिपोर्ट के लिए भेजेंगे, दोबारा से एंट्री होगा, यानी फिर से 4-5 दिन बाद में रिपोर्ट मिलेगा, तब तक मेरा बच्चा का क्या होगा। कुल मिला के मेरा बच्चा ही पिस गया है ना, तो यही है आजकल, दूसरे से शिकायत करना ही छोड़ दिया, जब अपने अपनों का इस तरह खून पीने को लिए तैयार हो जाए, खून पी रहे हैं ना, दूसरे से क्या शिकायत करें। ठीक है, लैब वालों से मुँह लगने से कोई मतलब नहीं है, ना ही हॉस्पिटल वालों से मुँह लगने से कोई मतलब है, शायद इस वक्त जो है वही ख़राब है या फिर किस्मत ख़राब है, नहीं तो एक छोटे बच्चों के साथ में इतना बुरा ना इंसाफी मेरे बच्चों के साथ क्यों होगा। मेरे बच्चों का रिपोर्ट क्या ना हमें गुम होने का था क्या, या जो मेरे बच्चों का जो जांच था वो मतलब सैंपल नहीं पहुंच पाया, मेरी किस्मत ख़राब है। फाइनली हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ, एक बार डॉक्टर से बात कर लेती हूँ, देखो वो क्या कहते हैं, फिर दोबारा से सैंपल भेजना पड़ेगा, 5-6 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। नहीं मिला या अभी सैंपल के लिए मना कर दिया, उसके पास जाओ तो वो बोलते हैं वहाँ है, वहाँ जाओ तो वो बोलते हैं वहाँ है, चक्कर काट करके थक गई हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है,
ऐसा कहता है हमारे काम है भेजने का, यानी हमारे काम है सैंपल भेजने का। तो फिर मैंने बोला कि सैंपल फिर गया क्यों नहीं वहाँ पे गए तो वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ पे है ना सैंपल आया ही नहीं है। समझ नहीं आता कुल मिला के मेरी गलती कहाँ पर हो रही है। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ फिर भी मेरे बच्चों को मैं पूरी तरह से नहीं कर पा रही हूँ। सुबह से ना पैदल चल चल के हालत ख़राब हो गई पैरों की बिल्कुल। रात होते होते ना ऐसी हालत हो जाती है कि पैरों के नीचे ना ऐसे गांठे सी पड़ गई है, गांठे सी हो गई है। देखती हूँ अब डॉक्टर क्या कहते हैं, दोबारा जांच होगा शायद।